इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपली इसको ऐसा तोड़ना है कि अंतर एक का हो। तो चार पचे पॉजिटिव की नेगेटिव, प्लस है कि माइनस, प्लस आंसर बड़ा वाला होगा, आंसर क्या हो जाएगा? पाँच। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का हो जाए? एक का। चार पचे चार और पाँच कितने का अंतर है? अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, अगर माइनस होता तो आंसर छोटा वाला। इस तरह का अगर इक्वेशन रहे तो ऐसा तोड़ना है कि अंतर एक का आ जाए। चार पचे बीस, चार पचे बीस, पॉजिटिव है आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है आंसर छोटा वाला। ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। चार पचे बीस, पॉजिटिव आंसर बड़ा वाला, निगेटिव आंसर छोटा वाला। क्लियर? बात समझ में आया? उस सब से कोई मतलब तुमको नहीं, तो लिखना है तो लिख सकते हो, एन प्लस वन होगा, लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो। अगर पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला, प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस है तो आंसर छोटा वाला। ठीक है, चलो बोलो पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये बताओ। पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला। इसको ब्रेक कीजिए, आठ नामा बहत्तर, आठ और नौ अंतर कितने का है भाई? आठ और नौ अंतर कितने का है? एक का। अगर माइनस है तो आंसर छोटा वाला। ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। अगर माइनस है तो आंसर छोटा वाला, प्लस है तो आंसर बड़ा वाला। ऐसा तोड़ना है कि अंतर एक का आ जाए, अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस है तो आंसर छोटा वाला। क्लियर? इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि अंतर कितने का हो? एक का। इस तरह से ब्रेक करना है कि अंतर कितने का हो? एक का। प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस है तो आंसर छोटा वाला, प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस है तो आंसर छोटा वाला। क्लियर? चले बोलिए। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। देखो ना प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है, ना प्लस है ना माइनस है, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला। और ना प्लस है ना माइनस, तो आंसर जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा। क्लियर? जो भी प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला, और ना प्लस है ना माइनस, यानी इनटू का साइन है, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। क्लियर? जो रहेगा वही आंसर। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना कि ये अनकाउंटेबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल मतलब जिसका गिनती नहीं हो, जिसके अंदर जो लिख देगा वही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस लिखेगा तो वैसे प्लस रहेगा तो तोड़ देंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर एक का हो, पॉजिटिव आंसर बड़ा वाला, निगेटिव आंसर छोटा वाला, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। क्लियर? चलो मिटा दे। बोलिए सर, ना पॉजिटिव ना निगेटिव तो आंसर क्या होगा? लेकिन वह जो होता है वही हो जाता था, लेकिन ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? काउंटेबल है, इसका गिनती होगा। तो गिनती होगा तो सबसे पहले लिखिए, क्या लिखेंगे? तीन। क्या लिखेंगे? गिनना शुरू कीजिए, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दो का पावर चार करेंगे, दो का पावर क्या होगा? चार, सोलह। एक कम कर दीजिए, तीन का पावर पंद्रह बटा सोलह। आइडिया मिला?
सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? थ्री। सबसे पहले क्या लिखोगे? थ्री। काउंट करना शुरू करो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो दो का पावर चार क्या होगा बताओ? एक कम करके लिख दीजिए, 15/16। तीन का पावर 15/16। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लिख दे ऐसा सात 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 सात, बोल भाई बनेगा? सबसे पहले क्या लिखे? सात। गिनना शुरू करो, कई पीस है? एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस। दो यहाँ छिपा हुआ है, तो दो का पावर चार करेंगे। दो का पावर चार क्या होगा? 16। एक कम करके लिख देंगे, 15/16। आइडिया मिला नहीं? अगर काउंटेबल होगा तो गिनना पड़ेगा, अगर काउंटेबल होगा तो क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? थ्री। काउंट कीजिए, एक दो तीन चार, दो का पावर चार, 16। एक कम करके 15/16। क्लियर? अच्छा बताओ, अगर हम पांच 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 लिख दे, बोल भाई बनेगा? बताओ सबसे पहले क्या लिखे? गिनो कै पीस है? एक दो तीन, दो का पावर तीन क्या होगा? आठ। एक कम करके 7/8, 5 का पावर 7/8। क्लियर ना? बोलिए। आ रहा है समझ में? चले सबसे पहले काउंट कर लीजिए, जितना पीस है उतना लिख दीजिए, फिर से बताएं। नहीं चलो देखो, कभी कभी हमने क्या सिखाया था, इसको ऐसा तोड़ते हैं, इसको ऐसा तोड़ते हैं कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। ऐसा तोड़ते हैं कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। तो क्या टूटेगा ये? नहीं नहीं टूट पाएगा। जब नहीं टूट पाएगा तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, आपको याद रखिएगा रूट अंडर 4x+1 फार्मूला में, क्या याद रखिएगा? रूट अंडर 4x+1। अगर पॉजिटिव है तो +1/2, अगर निगेटिव होता तो -1/2। बात समझिए, एक फिक्स है फार्मूला। कौन सा फार्मूला? रूट अंडर 4x+1 फिक्स है। अगर प्लस होता तो क्या लिखते? +1/2। अगर माइनस होता तो क्या लिखते बताओ? -1/2। कब? जब केवल पॉजिटिव रहे या केवल निगेटिव रहे। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो 4x-3 लिखेंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो क्या लिखेंगे? 4x-3। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट है तो +1/2, अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो -1/2। आइडिया मिला कि नहीं मिला? ध्यान दीजिए, चार तरह का पैटर्न आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं टूटता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं टूटेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले केवल पॉजिटिव रहे तो रूट अंडर 4x+1, केवल निगेटिव रहे तभी रूट अंडर 4x+1। अगर प्लस से स्टार्ट है तो +1/2, माइनस से स्टार्ट है -1/2। लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों रहे, एक ही क्वेश्चन है, प्लस भी रहे माइनस भी रहे, तो रूट अंडर 4x-3 4x-3। अगर प्लस से स्टार्ट है तो +1/2, माइनस से स्टार्ट है तो -1/2। क्लियर? चार फार्मूला। अगर केवल प्लस रहे तो रूट अंडर 4x+1, केवल माइनस रहे तो रूट अंडर 4x+1। अगर प्लस से स्टार्ट है तो +1/2, माइनस से स्टार्ट है -1/2। प्लस से स्टार्ट है +1/2, माइनस से स्टार्ट है -1/2। कब 4x-3 कब करेंगे? जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए सर। केवल प्लस है ना, तो हमने क्या सिखाया फॉर्मूला? 4x+1 किससे स्टार्ट है? प्लस से ना, तो +1/2। चलो x का वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 पुट करो। 4 × 3 + 1 + 1/2, 4 × 3 = 12, 1। बस 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 आंसर। क्लियर ना? रूट अंडर 4x+1 + 1/2, x के जगह क्या पुट करेंगे बताओ? 3। तो रूट अंडर 4x+1, 4 × 3 = 12, 1 + 1/2। क्लियर? कब? जब केवल पॉजिटिव रहे। केवल प्लस है ना, और ऐसा कब करेंगे? जब नहीं टूटे, जब नहीं टूटे। क्लियर ना?
चलें। हो गया भाई, हो गया। अच्छा अब बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर देना तुम लोग। बोलो बन जाएगा, प्रयास करके देखो। केबल निगेटिव है, केबल क्या है निगेटिव, क्या ये टूट पा रहा है, क्या क्या ये टूट पा रहा है, नहीं टूट पा रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट अंडर फोर एक्स प्लस वन, किससे स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, तो माइनस वन बाय टू। बोल भाई एक्स के जगह क्या पुट करेंगे बताओ, पांच, बस 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 हो गए और क्या, तो बीस है एक, नहीं क्यों, क्योंकि किससे स्टार्ट था, माइनस से, क्यों क्योंकि किससे स्टार्ट था, माइनस से, क्लियर ना। आइडिया मिला नहीं, बाउंस कर गया, मिल गया, केबल निगेटिव है तो 4x प्लस वन कब, जब नहीं टूटे तब, और माइनस से स्टार्ट है तो माइनस वन बाय टू, प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाय टू। हो गया, बोलिए बनेगा ये, प्लस माइनस दोनों हैं, प्लस माइनस तो हम क्या सिखाए थे बताओ, रूट अंडर फोर एक्स माइनस, प्लस माइनस दोनों रहे तब, अच्छा किससे स्टार्ट है तो प्लस वन बाय टू, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो फोर एक्स माइनस थ्री पे चला जाएगा, और प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाय टू। चलो एक्स के जगह क्या पुट करोगे बताओ, थ्री। बोल भाई बनेगा, चार तिया बारह में से तीन गया, नौ प्लस वन बाय टू, बोल भाई तीन प्लस वन बाय टू, चार बाय टू, आंसर टू, क्लियर। जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे, प्लस माइनस दोनों रहे तो क्या फॉर्मूला सिखाए थे, रूट अंडर फोर एक्स माइनस थ्री, किससे स्टार्ट है तो प्लस वन बाय टू, अगर माइनस से स्टार्ट होता तो माइनस वन बाय टू, लेकिन कब, जब प्लस माइनस दोनों रहे तब, क्लियर ना। हो गया, फिर से बताइए ये वाला बनेगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर एक्स माइनस थ्री किससे स्टार्ट है, माइनस से तो माइनस वन बाय टू, किससे स्टार्ट है, माइनस से तो माइनस वन बाय टू। बताओ एक्स के जगह क्या पुट करे, फाइव पुट करे तो चार गुना तीन, नहीं चार गुना पांच ना, माइनस तीन माइनस वन बाय टू। बोल भाई बीस में से तीन गया, सत्रह माइनस वन बाय टू, क्लियर क्लियर। एक बार फिर से रिकॉल मारते हैं, है ना, यहां तक समझ गए, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं इसको, क्या हुआ, क्लियर है, हो गया। अच्छा
हाँ माइनस से स्टार्ट है माइनस वन बाई टू, प्लस से स्टार्ट है प्लस वन बाई टू। एक बार रिकॉल हम कर दे रहे हैं, रुको। देखो पैटर्न वन है स्क्वायर सीरीज का, ध्यान दो। देखो क्या ये टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का हो जाए, एक का। ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का हो जाए, एक का। तो चार पचे, बोलिए चार पचे कंफर्म, तोड़ दिए प्लस की माइनस, तो आंसर बड़ा वाला। आइडिया मिला? ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर कितने का हो जाए, एक का। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर कितने का हो जाए, एक का। तो प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस है तो आंसर। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर एक का हो जाए, अगर टूटेगा तब, टूटेगा तब तोड़ देना है। ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का आ जाए, एक का। पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर एक का आ जाए, चार पचे बीस, पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला। चलो दूसरा देखो, बताओ टूटेगा, बताओ। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर एक का आ जाए, आठ नामा, आठ नामा टूट रहा है ना, पॉजिटिव की निगेटिव, तो आंसर छोटा वाला, आंसर छोटा वाला। अगर पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है तो आंसर, पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला, याद रखिएगा। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर एक का हो जाए, आठ नामा बहत्तर, अगर निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला, पॉजिटिव है तो आंसर। क्लियर आया ना, बोलो क्लियर है? चलो तीसरा देखिए, ना पॉजिटिव रहे ना निगेटिव, ना पॉजिटिव रहे ना, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, अनकाउंटेबल है, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। क्या हमारे आंसर बताओ, सात। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो लिखा रहेगा वही आंसर। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। क्लियर? ना प्लस रहे ना माइनस, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। ठीक है, ना प्लस रहे ना माइनस, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। बताओ भाई, ये अनकाउंटेबल है। यहां तो ना प्लस है ना माइनस है, बात सही है, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल कि काउंटेबल? काउंटेबल, इसका गिनती होगा। जब गिनती होगा तो गिनिए, गिनती होगा तो क्या करना है, गिनना है। सबसे पहले लिखो तीन, गिनो कई पीस है, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, यहाँ क्या छिपा हुआ है, तो दो का पावर चार क्या होता है, एक कम करके पंद्रह बटा सोलह, तीन का पावर पंद्रह बटा सोलह। सबसे पहले क्या लिखे भाई, तीन, सबसे पहले क्या लिखे, तीन, गिनो कई पीस है, एक दो तीन चार, तो दो का पावर चार क्या होगा बताओ, सोलह, एक कम करके पंद्रह बटा सोलह। सबसे पहले लिखे तीन, गिनना शुरू करो कई पीस, एक दो तीन चार पीस, तो दो का पावर चार, गिनाएगा तो गिन दीजिए, गिनाएगा तो क्या कर दीजिए, तो दो का पावर चार क्या होगा, सोलह, एक कम करके लिख दीजिए पंद्रह बटा सोलह, एक कम करके लिख दीजिए पंद्रह बटा सोलह। चारों क्लियर? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट बोला जाए, पॉजिटिव है कि निगेटिव बताओ, पॉजिटिव है, लेकिन ये टूट पा रहा है क्या, हमने क्या सिखाया था, टूटना चाहिए, क्या ये टूट पा रहा है, नहीं टूट पा रहा है। जब ना टूटे तो ध्यान दीजिए, आप याद रखिएगा रूट अंडर फोर एक्स प्लस वन, नहीं टूटे तो क्या याद रखना है, रूट अंडर फोर एक्स प्लस, नहीं टूटे तब, तीन टूट पा रहा है, नहीं टूट पा रहा, नहीं टूटे तो याद रखना है फोर एक्स प्लस वन। अगर प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाई टू, माइनस से स्टार्ट रहता तो माइनस वन बाई टू। क्लियर? अगर नहीं टूटे, नहीं टूटे तो क्या करना है, रूट अंडर फोर एक्स प्लस वन याद रखना है। अगर प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाई टू, माइनस से स्टार्ट है माइनस वन बाई टू। लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों आ जाए, एक ही क्वेश्चन है प्लस माइनस दोनों आ जाए, तो फोर एक्स माइनस थ्री करेंगे। अगर प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाई टू, और माइनस से स्टार्ट है तो माइनस वन बाई टू। क्लियर? अगर नहीं टूटे, अगर नहीं टूटे तो क्या करेंगे, रूट अंडर फोर एक्स प्लस वन, रूट अंडर फोर एक्स प्लस वन फिक्स है। अगर प्लस से स्टार्ट है तो प्लस वन बाई टू, माइनस से स्टार्ट है माइनस वन बाई टू। रूट अंडर फोर एक्स माइनस थ्री, फोर एक्स माइनस थ्री फिक्स है। कब? जब पॉजिटिव निगेटिव
एक ही क्वेश्चन में प्लस हो रहे, और अब ये देखना है कि शुरू कौन सी से, प्लस से, प्लस से शुरू है तो प्लस वन बाई टू, माइनस से शुरू है तो माइनस वन बाई टू। क्लियर? चलो बताओ इसका आंसर बता पाओगे? बोलिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? रूट अंडर फोर एक्स प्लस प्लस वन बाई टू, ऐसे फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ, अभी ये देख लो है ना लिखा हुआ। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे बताओ? थ्री पुट करें, बस 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 बोल भाई। चरतिया बारह एक तेरह प्लस वन बाई टू, आइडिया मिला? क्लियर है ना फॉर्मूला? क्लियर? बाउंस कर गया, आ गया ना? चलो चले, बहुत आसान है बाबू, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है। बताओ अगला बना पाओगे क्या? क्या करें, कौन सा फॉर्मूला? रूट अंडर फोर एक्स प्लस किससे स्टार्ट है? तो माइनस वन बाई टू, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? फाइव, एक्स की जगह पाँच, बस बस बस, चार पच्चे बीस है एक, नहीं आ रहा है समझ में? चलो नोट भी करना है कि समझ गए। चलो बोल भाई अगला बताओ, बन जाएगा। प्लस माइनस दोनों है, एक ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस दोनों हो जाए तो किससे स्टार्ट करेंगे बताओ? फोर एक्स माइनस स्टार्ट किससे है? प्लस वन बाई टू। बोल भाई एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? थ्री, चारतिया बारह में से तीन गया, नौ प्लस वन बाई टू, तो तीन प्लस एक बटा दो, चार बटा दो, आंसर दो। आइडिया मिला बाबू? नहीं कुछ नहीं, एकदम बउआ वाला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अरे वो क्वेश्चन कन्फर्म में आता है इस तरह का, बना दीजिएगा। नहीं चले, बताओ इसका क्या बनेगा बताओ? तुम लोग खुद से बनाओ, बनाओ बनाओ खुद से। फोर एक्स माइनस थ्री किससे स्टार्ट है? एक्स के जगह क्या पुट करें? बीस में से तीन गया सर, नहीं आया समझ में? चलो बहुत अच्छे, चले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के तुम लोग दिखाएगा, ठीक है? क्या? हाँ हाँ, अल्टरनेटिव रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और कुछ ही रहेगा? अच्छा चार को माइनस तीन को प्लस, वैसा नहीं होता, वैसा कहीं वह नहीं किया आज। नहीं वो तो जोड़ घटाव था ना, नहीं लिखे होंगे प्लस, डॉट डैश 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 लिख देंगे, वो माइनस लग गया होगा तुमको, नहीं समझे वो? जैसे यहाँ पर कैसे डॉट 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 लिखा, हम ऐसे ऐसे लिख दिया होंगे, नहीं समझा? चलो अब बताओ ये पहला क्वेश्चन बनेगा भाई, एकदम बउआ वाला। बोलो उनचास का किसका वर्गमूल है? उनतीस का सात, छत्तीस, छत्तीस किसका? छः का, उन्नीस छः पच्चीस किसका? पाँच का, ग्यारह पाँच किसका? चार का, पाँच चार नौ किसका? तीन का। आइडिया मिला? नहीं मिला। उनचास किसका वर्गमूल है बताओ? उनचास किसका वर्गमूल? उनतीस में सात जोड़ दो, छत्तीस किसका? छः जोड़ दो, पच्चीस किसका? पाँच जोड़ दो,
पांच जोड़ोगे तो 16, 16 किसका? चार का। चार जोड़ो 9, 9 किसका? तीन का। कुछ नहीं दिमाग लगाना, यहां देखो 49 किसका वर्गमूल? सात का। सात जोड़ो 36 किसका? छह का। छह जोड़ो 25 किसका? पांच का। पांच जोड़ो 16, 16 किसका? चार का। चार जोड़ो 9, 9 किसका? तीन का। क्लियर? बना के दिखाए कि समझ गए, हो गया ना। सबसे पहले 49 निकाले, केकर वर्गमूल सात के। अब सात जोड़ दिए, 29 से सात 36 किसका? छह जोड़ दीजिए, 19 से 25 किसका? पांच जोड़ दीजिए ना, 16, 16 किसका? चार का। चार जोड़ दीजिए 9 किसका? तीन का। खत्म बात। नहीं, क्लियर? ऐसा समझ में? फिर से आ गया, चले बोल भाई, बनेगा बताओ, सोचो तुम लोग। 19 किसका वर्गमूल? 9 किसका वर्गमूल? अच्छा 19 में से तीन गले। 16 किसका? 21 में चार जुटा। 25 किसका? 41 में से पांच गया। 36 किसका? छह का। छह जुटा 16, 16 किसका? चार का। खत्म। फिर से बताए, देखो 9 किसका वर्गमूल है बताओ? 9 का वर्गमूल तीन, तो अब 19 में से तीन घटा दो, 19 में से तीन घटाओ 16, 16 किसका? चार का। 21 में चार छोड़ो 25 किसका? 41 में से पांच गया 36, 36 किसका? छः का। अच्छे जोड़ो ना 16, 16 किसका? चार का। क्लियर आ रहा है समझ में? चलो बहुत अच्छा, एकदम छोटा छोटा बात है भाई, लेकिन एग्जाम में एक आध को दिख जाएगा, फटाक से बना दो। क्या यही एक नंबर आपको आगे बढ़ा सकता है? चले अच्छा बताओ, इसका बनेगा कैसे? बनाओ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसको तोड़ो, दो एक कम टूट गया, अंतर कितने का? अंतर कितने का? तो पॉजिटिव आंसर बड़ा वाला नहीं टूटेगा, टूटबे ना करेगा। दो को तोड़ो ना, तो दो एक कम दो टूट गया, अंतर एक का आना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला। लेकिन अब तुम सोचता कि सर नहीं टूटा है, तो उस पर बना के देखते हैं हम लोग। नहीं टूटता तो कौन बड़ा फार्मूला लगाते? 4x प्लस प्लस 1/2, यही ना लगाते भाई? तो x का वैल्यू क्या पुट कर ले बताओ? x का वैल्यू क्या पुट कर ले? तो बोल भाई, चार दूना बस 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 हो गए, और का। आठ है एक, 9 प्लस 1/2, 9 के कर वर्गमूल 3 प्लस 1/2, 4/2 आंसर। बस 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 समझ गया बात। जैसे अगर टूट गया, तुम्हारे हिसाब से टूट जाता तो आंसर बड़ा वाला, अगर नहीं टूटता तो फार्मूला लगा लेते। अगर टूट गया तो आंसर बड़ा वाला तो बना ही दिए, और नहीं टूटता तो फार्मूला लगा लो ना। तुम्हारा मन कर रहा है कि ना इन टूटवे नहीं कर रहा, जबरदस्ती वाला बात, तो फिर लगा दो फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चले एकदम बहुआ वाला है भाई, कौच ही देख रहा है तू। अच्छा चले भाई, नहीं आया समझ में? आ गया, तुम लिख नहीं रहा है भाई। अच्छा लिख रहा, चले। अच्छा एकरा बारे में क्या ख्याल है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा तो बताओ? तीन दूना टूट रहा है, अंतर एक का है, प्लस की माइनस, तो आंसर कौन सी होगा? बस 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 समझ गया तू, क्लियर। ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितने का आ जाए? एक का। तीन दूना छह पॉजिटिव, आंसर बड़ा वाला। बस ये वो टाइप है,
समझ रहे हैं, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बोल भाई, बनेगा, बता जल्दी, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ना पॉजिटिव ना काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल तो आंसर, काउंटेबल रहता था ना छोटू, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी तक है तो अनकाउंटेबल है, तो जो लिखा रहेगा वही ना आंसर, अनकाउंटेबल है तो जो लिखा रहेगा वही आंसर। देखो एकदम दिमाग में घुसा लेना, एकदम एक एक बात घुस जाना चाहिए, भले एक एक चीज में चार बार कहना पड़े पड़े, लेकिन दिमाग में घुसा लेना, समझ गया बात? क्लियर? बोलो, गिनो कहे पीछे, एक दो तीन चार, दो के पावर चार क्या होगा बाबू? एक कम करके लिखो ना, 15/16, 7 का पावर 15/16, 7 का पावर 15/16, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7, गिनना शुरू करो कहे पीछे, एक दो तीन चार, तो 2 का पावर 4 क्या होगा? 16, एक कम करके 15/16, क्लियर? 7 का पावर 15/16, अब तो हमको लगता है एकदम सेट कर गया होगा दिमाग में, क्या मिटाए? अब आता है पैटर्न टू, क्या पैटर्न टू? पैटर्न टू में 6 गो फॉर्मूला है, पैटर्न टू जो है उसमें क्या गो फॉर्मूला है? 6 गो। फॉर्मूला हम शॉर्ट में हम समझा देते हैं, पहले यहां समझो। देखो एगो फॉर्मूला ऐसा है, a³ - b³ / a² + ab + b² ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहता है। अगर क्यूबिक फॉर्मेट है, माइनस रहे तो डायरेक्ट लिखना है आपको a, क्यूबिक फॉर्मेट माइनस रहे तो डायरेक्ट क्या लिखना है? a - b, नीचे देखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पे कट जाता है, फॉर्मूला पे क्या होता है? कटता है। अगर क्यूबिक फॉर्मेट में है, माइनस है तो डायरेक्ट a - b, अगर क्यूबिक फॉर्मेट में है अब प्लस रहे, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? a+। देखो क्यूबिक फॉर्मेट माइनस रहे तो डायरेक्ट a - b, क्यूबिक फॉर्मेट प्लस रहे तो डायरेक्ट a+b। अभी लिखिए ना, अभी समझिए, अभी समझना है, अभी लिखना है इसको नहीं है। क्यूबिक फॉर्मेट रहे माइनस रहे तो a - b, और क्यूबिक फॉर्मेट प्लस रहे तो a+b। स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, स्क्वायर के फॉर्मेट प्लस है तो 2, स्क्वायर के फॉर्मेट प्लस है तो 2, ये वाला प्लस है तो क्या होगा? 2। और यही स्क्वायर के फॉर्मेट में, अब माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे? 4, ध्यान दो, क्यूबिक फॉर्मेट है माइनस है तो डायरेक्ट a - b, क्यूबिक फॉर्मेट है प्लस है तो डायरेक्ट a+b, स्क्वायर के फॉर्मेट प्लस है तो 2, माइनस है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, 6 गो फॉर्मेट दिमाग में आया? ध्यान दो, 6 फॉर्मेट फिक्स है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्यूबिक फॉर्मूला माइनस रहे तो a - b, क्यूबिक फॉर्मूला प्लस रहे तो a+, स्क्वायर के फॉर्मूला प्लस है तो 2, माइनस है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव तो ऊपर में, और नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, 6 फॉर्मेट दिमाग में आया? हाँ, ये उल्टा हो सकता है, ये उल्टा हो सकता है, उल्टा मतलब ये ऊपर लिख दे और ये नीचे लिख दे, इसका 1/2 हो जाएगा, ये उल्टा हो सकता है, ये ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए तो 1/4 आ सकता है। बेस फिक्स है, बेस में चेंजिंग नहीं होगा, जो सेट है फॉर्मूला सेट है, आपको खाली ये ध्यान देना है क्यूबिक फॉर्मेट नीचे देखना नहीं है,
ऊपर देखना है, क्यूबिक फॉर्मेट, माइनस है तो क्या लिखना है, क्यूबिक फॉर्मेट, प्लस है तो क्या लिखना है, स्क्वायर का फॉर्मेट, प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस है तो क्या लिखना है, स्क्वायर का फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव ऊपर में, नीचे में पॉजिटिव ऊपर में, लेकिन ये वो फॉर्मेट उल्टा भी हो सकता है, फॉर्मेट उल्टा भी हो सकता है, क्लियर ना भाई, चल समझ गया, नोट करना है, कर लो। हाँ उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, वो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हाँ वन बाई ए प्लस बी, वन बटा ना, पूरा वन बटा आ जाएगा ना, किसी भी नंबर के नीचे वन तो है, उल्टा करेंगे तो वन बाई हो जाएगा, नहीं जैसे टू है तो टू के नीचे वन है ना, इसको उलटना है तो वन बाई टू लिख सकते, क्लियर, क्यूबिक फॉर्मेट है, इस प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, स्क्वायर के फॉर्म, हाँ वो सेट है, उसमें दिमाग मत लगाना, छह को फॉर्मेट है जिसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चले भाई हो गया, चले देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ इसके आंसर क्या हो, कौन सा फॉर्मेट, क्यूबिक फॉर्मेट, क्या लिखा है, प्लस की माइनस, तो जोड़ो ना, 300, समझ गए बात, कोई मतलब नहीं, नीचे कट जाता है फॉर्मूला पे सेट होगा तो कट जाएगा, क्यूबिक फॉर्मेट है, प्लस रहे तो ए प्लस बी, माइनस रहे तो ए माइनस बी, है ना, क्यूबिक फॉर्मेट प्लस है ना तो डायरेक्ट ए प्लस बी, क्यूबिक फॉर्मेट प्लस रहे तो ए प्लस बी, माइनस रहे तो ए माइनस बी, प्रूफ करें, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तुमको, क्या है बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एकरा से ही कट जाएगा तो ए प्लस बी ए ना आएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है ना इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ही खत्म, तो प्लस आया तो डायरेक्ट प्लस ही ना होगा, तो फॉर्मूला पे सेट है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है उस पर, डायरेक्ट करना है, क्यूबिक फॉर्मूला प्लस है तो ए प्लस बी, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी, स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस है तो दो, माइनस है तो चार, स्क्वायर का फॉर्मूला में नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, चले अब तुम लोग इसको क्या करने लगता, 203 का क्यू करने लगता, तो उसमें टाइम क्या लग जाता है, ज्यादा नहीं समझा, अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, बोलिए अगला बनेगा, बताओ बोल भाई,
क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है, क्या लिखे बताओ? ए माइनस, तो बोलो क्या होगा? 203 माइनस 102, घटाने आता है, क्या आएगा, कितना आएगा? 10, हो गया। बताओ अगला का आंसर क्या आएगा? स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या निकालोगे? दो, कोई जरूरत नहीं है बनाने का। स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस है तो दो। हाँ कुछ लिखा रहे होगा, कोई मतलब नहीं है, बस बस दो मार के चलाना है, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम में टिक मारना। है समझ गया ना? यही उल्टा रहता था क्या होता? 1/2 क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस रहे तो दो, माइनस रहे तो चार। स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस रहे तो दो, माइनस रहे तो चार। अब उल्टा में क्या दिक्कत है छोटू? खुश उसमें क्या सोचना? उल्टा मतलब समझेगा ना, उल्टा मतलब ई ऊपर आई नीचे, तो 1/2, ठीक है ना? है क्या हो गया? हाँ भाई जुगाड़ है ये सब, नहीं समझा? विद्वान नहीं बनना इसके, तो याद कह रहे हम फॉर्मूला रखेंगे, डायरेक्ट टिक मारेंगे। छ गो तो फॉर्मेटे है, यही छ फॉर्मेट पे आगे पीछे रहता है, डिजिट कुछ लिख सकता है। जरूरी नहीं कि डिजिट 302 लिखे, डिजिट 475, 492, 596 कुछ लिख सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही छ गो। डिजिट कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट ये 6 गो है, 6 फॉर्मेट पर कुछ भी होगा। खत्म बात। बोलो इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा? चलो स्क्वायर के फॉर्मेट में निगेटिव है तो आंसर 4, पॉजिटिव है तो 2, निगेटिव है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में निगेटिव है तो 4, पॉजिटिव है तो 2। स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव है तो 2, निगेटिव है तो 4। ठीक है हो गया भाई। बताओ नीचे में निगेटिव, नीचे में तो ऊपर में क्या होगा छोटू?
कितना होती? 500? नहीं, स्क्वायर का फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव, ऊपर में निगेटिव। स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में पॉजिटिव, ऊपर में निगेटिव, नीचे में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव। नहीं, एक और बताएंगे, ठीक है? ये तो समझ ही गया होगा तुम लोग, मिटा दे। नहीं, नीचे में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर में। चले बोल भाई, बता दो तो मान जाएंगे। नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में क्या होगा? घटाओ, 101 आए थे ना, 99 आएगा हमको लगता। एक सौ एक दिख रहा था तुम लोग को, कैसे 101 दिखा हमको, समझाओ जरा सा। समझ में आया ना? एकरा में से ही घटा देंगे, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। चलो क्लियर ना हो गया? मिटा दे। तो दो टाइप हम लोग पढ़े, कितना टाइप पढ़े अभी तक? दो टाइप। अब तीसरा टाइप स्टार्ट होता है, पैटर्न थ्री। लेकिन पैटर्न थ्री जो है आज हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं समझा बात? एक के दिन में ज्यादा नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि आराम से हो जाए। तो आज दो चीज बताए हैं, दो टाइप। उसको थोड़ा सा भी देखोगे ना तो एकदम दिमाग में सेट कर जाएगा। और यही थोड़ा 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 करते करते एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन देखोगे लगेगा कि पढ़ल है, टिक मार दोगे। समय तो लगता है किसी भी चीज में, क्या लगता है? समय लगता है, लेकिन समय लगेगा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? चलिए आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। रेगुलर रहिएगा तभी फायदा होगा।